उंगली का सही इस्तेमाल करें। सब्सक्राइब दबाकर बेल आइकन दबाना ना भूलें। हेलो गाइस, मेरा नाम है विनीत राघव और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल राघव अशोक टिप्स एंड ट्रिक्स। दोस्तों, बहुत सारे यूट्यूबर्स ऐसे हैं जिन्होंने टेक चैनल स्टार्ट किया था अपने यूट्यूब पर, यूट्यूब चैनल बना के, लेकिन उन्होंने अभी डिसीजन लिया कि अब वो अपने चैनल पर टेक न्यूज डालेंगे, लेकिन टेक न्यूज के लिए उन्हें चाहिए ट्रेंडिंग टॉपिक्स और वही वो फाइंड आउट नहीं कर पाते हैं। ट्रेंडिंग टॉपिक का मतलब ये होता है कि जो ट्रेंड में चल रहा है ना अभी लेटेस्ट में 48 आवर्स या अभी चल रहा है ट्रेंड में, जिनको पब्लिक देखना चाहती है, उन टॉपिक्स को कहते हैं ट्रेंडिंग टॉपिक्स। आप पता क्या करते हो, आपकी सबसे बड़ी मेन गलती ये है कि आप सिर्फ खाली उन टॉपिक्स से वीडियो बनाते हो जो सिर्फ खाली आप देखना चाहते हो, जबकि आपको उन टॉपिक से वीडियो बनानी यूट्यूब पर अगर आपको सक्सेसफुल होना है जो पब्लिक देखना चाहती है। अगर आप ऐसे टॉपिक से वीडियो बनाओगे जो पब्लिक देखना चाहती है और जो बिल्कुल करंट होते हैं, जिनके बारे में लोग सर्च करते हैं यूट्यूब पर सर्च बॉक्स में, आप उन टॉपिक से वीडियो बनाओ, आपका चैनल यू ग्रो होगा यू ऐसे फटाफट। मैंने अभी सीबीएसई रिजल्ट के ऊपर वीडियो डाली थी, आपको पता होगा कि सीबीएसई 10th क्लास का रिजल्ट अभी रिलीज हुआ था 6 मई को, तो मैंने उसके ऊपर वीडियो बनाई थी 4 मई को, 4 मई को मेरी वीडियो बनाई थी। उसका जो ऑडियो रिटेंशन था और उसके जो व्यूज थे लगातार बढ़ते आ रहे। इन सारे टॉपिक्स पे जो वीडियो बनाते हैं इनको कहते हैं ट्रेंडिंग टॉपिक्स। आपको ये करना है कि अगर आपको यूट्यूब में सक्सेसफुल होना ना, एक बात ध्यान मान लो कि ट्रेंडिंग टॉपिक्स के ऊपर वीडियो बनाओगे तभी आप यूट्यूब में सक्सेसफुल होगे। तो मैं आपको यही प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा आज इस वीडियो के अंदर। आज वीडियो को बनाने का मेन टॉपिक यही था कि मैं आपको ये बताऊं कि आप ट्रेंडिंग टॉपिक कहां से फाइंड आउट कर सकते हैं और कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको पूरा बताऊंगा ये, तो आप वीडियो को बिना स्किप किए पूरी लास्ट तक वीडियो देखो, तभी आपको समझ में आएगा कि आप कहां से और कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए आप बिना किसी देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, चलिए अब मैं आपको अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर ले चलता हूं आपको पूरा बताने के लिए कि आप कैसे कैसे ट्रेंडिंग टॉपिक्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो दोस्तों, जो लिस्ट में सबसे पहली वेबसाइट आती है वो है सीनेट। दोस्तों, सीनेट के अंदर आपको काफ़ी सारी कैटेगरीज देखने को मिल जाएंगी, जैसे रिव्यूज़, न्यूज़, वीडियो, हाउ टू, फिर उसके अंदर आपको सब कैटेगरीज भी देखने को मिल जाएंगी, जैसे न्यूज़ के अंदर है एप्पल, कंप्यूटर, कल्चर, गूगल, इंटरनेट, माइक्रोसॉफ्ट, मोबाइल, साइंस, टेक, सिक्योरिटी, टेक इंडस्ट्री, आपको बहुत सारी यहाँ पे कैटेगरीज मिल जाएगी। आप स्क्रॉल डाउन करते हैं तो आपको नीचे स्टोरीज देखने को मिल जाएंगी, कुछ टॉप स्टोरीज, जैसे अभी नए नए गैजेट लॉन्च हुए हैं उनके बारे में, और काफ़ी सारे फीचर्स आपको इस वेबसाइट के अंदर देखने को मिल जाएंगे। तो इससे आप भी टेक न्यूज़ अपनी फाइंड करके आप ट्रेंडिंग टॉपिक्स यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। दोस्तों, जो अगली वेबसाइट है वो हमारी आती है टेक क्रंच। टेक क्रंच ये एक अलग ही वेबसाइट है, इसमें आपको ज़्यादातर कंप्यूटर वगैरह के बारे में ज़्यादा नॉलेज मिलेगी। इसके अंदर भी आपको न्यूज़, वीडियोज़, इवेंट, क्रंच वेज वगैरह सारी आपको स्टोरीज वगैरह सब मिल जाएंगी, और आपको इसके अंदर सब कैटेगरीज भी देखने को मिलेंगी, और आप यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करके आपको स्टोरीज भी यहाँ से पढ़ सकते हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छा बेस्ट सोर्स है आपकी टेक न्यूज़ लेने का। तो जो तीसरी वेबसाइट है वो है मैशेबल इंडिया। मैशेबल इंडिया एक टेक न्यूज़ की साइट है। दोस्तों, इसमें आप अलग अलग तरह की स्टोरीज, न्यूज़ वगैरह पढ़ सकते हैं और ट्रेंडिंग टॉपिक्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चौथी है वो है एंड गैजेट। दोस्तों, ये भी बहुत अच्छी साइट है, लेकिन मैं इतना ज़्यादा प्रेफर नहीं करूँगा इसको जितने मैं पहले वाली करता हूँ। पहले वाली साइट्स की बात ही अलग है, लेकिन इसमें इतना नहीं है। और दोस्तों, जो सबसे लास्ट वेबसाइट है, सबसे बेस्ट है, वो है GSM Arena। दोस्तों, अगर आपको फ़ोन वगैरह के मामले में अगर ट्रेंडिंग टॉपिक्स फाइंड आउट करने हैं तो आप इस साइट को सबसे ज़्यादा प्रेफर करिए। मैं आपको ये सजेशन दूंगा कि आप इस साइट को सबसे ज़्यादा प्रेफर करिए अपने ट्रेंडिंग टॉपिक्स को फाइंड आउट करने की। तो ये थी कुछ वेबसाइट्स जो फ़ोन और कंप्यूटर की ट्रेंडिंग टॉपिक्स के बारे में बताती हैं, और आपको कंप्यूटर या फ़ोन के बारे में नहीं बताएंगी, आपको ये सारी चीज़ों के बारे में बताएंगी कि कौन सा फ़ोन कब लॉन्च होने वाला है, क्या टेक्नोलॉजी आ रही है, कि मतलब किस कंपनी का कौन सा फ़ोन इस साल लॉन्च होगा या इस महीने लॉन्च होगा, आपको सारी चीज़ें बताएंगी। लेकिन इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि ये इंग्लिश में है सारी न्यूज़। अगर आपको हिंदी में पढ़नी है तो इसके लिए मैं आपको अपनी फ़ोन स्क्रीन पर दिखाता हूँ कि आप हिंदी में कैसे पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहला ऐप है गैजेट 360। दोस्तों, ये NDTV का जॉइंट वेंचर है, इसमें आपको सारी न्यूज़ जो है टेक न्यूज़ वो आपको हिंदी में देखने को मिल जाएंगी, सब की सारी। इसमें खाली फ़ोन्स वगैरह की नहीं है, ना ही कंप्यूटर्स की हैं, जो भी टेक न्यूज़ आती है कंप्यूटर से रिलेटेड, एप्पल से रिलेटेड, माइक्रोसॉफ्ट से रिलेटेड, वो आपको सारी इसमें देखने को मिल जाएंगी। और इसमें आपको अलग अलग कैटेगरीज भी देखने को मिल जाएंगी, जैसे गैजेट्स की, टेक्नोलॉजी की, साइंस की, आपको इसमें सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। दोस्तों, जो हमारा दूसरा ऐप आता है वो है
बीबीसी हिंदी। बीबीसी हिंदी के अंदर भी आपको सारी की सारी हिंदी टेक न्यूज़ देखने को मिल जाएंगी और आप इनसे आराम से अपने ट्रेंडिंग टॉपिक्स फाइंड आउट कर सकते हैं और आप इन्हें आराम से इस टॉपिक्स के ऊपर वीडियो बना सकते हैं। दोस्तों जो हमारा अगला ऐप है वो है यूसी न्यूज़। यूसी न्यूज़ तो आपने बहुत बार सुना होगा, जब यूसी ब्राउज़र को इंस्टॉल करते हैं तो उसके साथ में एक ऑप्शन आता है यूसी न्यूज़ को इंस्टॉल करने का। दोस्तों इसके अंदर आपको सारी तरह की मिलती हैं, टेक न्यूज़ नहीं मिलती इसके अंदर, आपको सारी तरह की मिलती है, क्रिकेट, खेलकूद, विज्ञान, ये सब। लेकिन इसमें आपको एक अलग ऑप्शन मिल जाता है गैजेट्स का, जिसमें आप अपनी टेक न्यूज़ को ट्रेंडिंग टॉपिक्स में फाइंड आउट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी कि इस वीडियो की कुछ वेबसाइट और कुछ ऐप्स जहां से आप अपने YouTube चैनल के ट्रेंडी टॉपिक्स फाइंड आउट कर सकते हैं। गाइज अगर आपको मेरी पूरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इसे लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, पुराने हो तो बस सब्सक्राइब करके रखो यार, बेल आइकन दबा करो और बस हमारी वीडियो को देखते रहो। बस अगर बेल आइकन, अगर आप नए हो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लोगे तो उससे क्या होगा कि आपको जो भी हमारी वीडियोस नई आएगी यूट्यूब चैनल पर हमारे, आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगी और आप उसको सबसे पहले जाकर के देख पाओगे। तो अब आपसे मिलते हैं अपने चैनल की नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।